वो जो तुम्हारी मॉम है वो क्या है? है क्या वो पैसिव एग्रेशन की रिटेल दुकान है वो? और तुम्हारी माँ इतनी लाउड है कि पूरे घर को उसने काके का ढाबा बना दिया है। डोंट टॉक अबाउट काके का ढाबा। आई गेट डैम नॉस्टैल्जिक मेमोरीज जुड़ी है उसके साथ। आई नो तुम और तुम्हारी लूजर फ्रेंड्स हर रोज जाते थे क्योंकि देयर इज नथिंग बेटर टू डू। हां तो क्यों की शादी काके के ढाबे वाले के साथ करनी थी ना? लंदन कनाडा वाले के साथ। इट इज कनाडा। और अपनी मम्मी को भी एक्सप्लेन कर दो। हां हां बता दूंगा। बालिका वधू नहीं है, उनकी तार सी लंबी 26 साल की बेटी है जो 32 की दिखती है। या ना। वोड़, वोड़। सिडनी ने मारा होगा। अच्छा किया। और सैंडी ने जवाब दिया होगा। शादी के बाद दोनों फैमिलीज पहली बार मिल रही हैं। क्या सब ठीक होगा ना? लेट्स फाइंड आउट। सिटी मेरे को वी गेटिंग लेट। ओ या ओके ओके बाय। मैं जा रहा हूँ। आई लव यू। तुम सब संभाल लोगे या आई मीन हम सब संभाल लेंगे। टेंशन मत लेना ठीक है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? कैसे? जैसे तुम मरने वाले हो। मैडम मेरी भी तो पहली शादी है ना। आई एम ऑल्सो नर्वस। वेयर माय कार कीज यार, लेट हो जाऊंगा। और लिसन प्लीज कुछ अच्छा पहन लेना। बाय। शादी के बाद काफी कुछ बदल जाता है। Why do you look like you're working in a coal mine? Here we go again. You look like this, you look like that, you look like a dish rag. Where's Sid? Oh, he said he'd take about 20 minutes to come, so we just carried on. He must be quite busy, right? He is. Hello? Sid? Kahan ho yaar? On my way, co shoot utha raha hu. All the best. What for? आखिर समझाता हूँ ना। Sid, he's crazy. He gets me into trouble and just leaves. Happy Diwali, putar! आशीर्वाद तो ले ले। दे दीजिए मम्मी जी। लू से पहिया ऐसे रहते हैं। भाभी जी बड़ी गोरी लग रही है। हेलो भाभी जी। तुसी रुको जी, अर्ज किया है। रंग सफेद दूध सा महक है बादाम की, सोचता हूँ कसरत के बाद तुझे घोट के पी जाऊं। और सेहता बन गई जी। ओ, ओ, ओ जी ऐसे मॉल में मजाक साथ तो चलता ही रहता है। इट्स वेरी जोकी टाइप। होप यू डोंट माइंड। मधुबाला थी लेकिन कभी घमंड नहीं किया। कोई प्रॉब्लम है? डायबिटीज है आपको? नो, मुझे सिर्फ अनहेल्दी लोगों से प्रॉब्लम है। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। मैं ना आपको ऑयल फ्री के ऐसे ऐसे पराठे बना के खिलाऊंगी ना बगैर मक्खन के कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, है ना जी? ये मिसेस वैंकूवर बनने वाली है। ठीक है, मैं अपने हाथों से हल्दी कुटूंगी और आपको दूध में मिलाकर
पिलाऊंगी ना तो आपकी त्वचा खिल खिल जाएगी। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस हल्दी। आई डोंट लाइक इट, इट्स प्रीपोस्टरस। आई मीन हाउ कैन यू गिव मी दैट? मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूं। ओके ओके व्हाट शुड आई मेक? मम्मीज़ ऑन अ डाइट एंड मम्मी जी वांट्स टेस्टी खाना। दादी हाय। माई सेल्फ एट द रेट डूड दादी। मैं सिड और सेंटी की पड़ोसन हूँ। आप ना मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। ये बेटा फोन ले, टेंशन ना ले। मैंने ना सिद को स्नैपचैट पे बोल दिया है कि मार्केट से कोच लेता है। अपना तो भैया एक ही फंडा है, बुढ़ापा भले ही रूड है, हम तो भैया डूड हैं, हम तो भैया डूड हैं। I'm sorry. कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। भाई तुम तो सुन के हड्डी हो गए, तू तो लड्डू खाए। अरे माँ कई चिपका रहेगा, खोते ना पुत्र तेरा बाप भी खड़ा है यहाँ पे। देख तेरे लिए बढ़िया सी शायरी लिख के लाया। तुझे गले नहीं लगना मेरे? I have nothing to add to this nonsense. तीन घंटे 3 hours से और हमारे पेरेंट्स को तो शाम को आना है ना। What's going on? ये तो शोर से बहुत Sandy, you know I'm on a complete diet. No meat, no oily. I'm very adjusting. Ask him. Corbin Bedi, आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा डिमांडिंग हो रही है? मतलब पति के घर आके लिसन बहन जी, 1942 से बाहर निकली, ये मेरी बेटी का घर है, राइट? सो टेक्निकली ये मेरा घर है, राइट? हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि ये इनका घर है? कितनी हॉट है, राइट को स्वैप कर। डैम दादी। या नॉट दादी डैम, सी वन इज डैम। डूड हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या? अरे इन्हीं से पूछ लो ना जो तुम्हारी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों भाई, क्या पकवान बनाया जाए जो इसकी अम्मा की सेहत और इसकी मम्मी के स्वाद का ख्याल रखे। Please help us out guys. कोश ओट्स की कोई रेसिपी बता दो। ओह, मैं तो भूल ही गई, लाइक कमेंट शेयर करना आप मत भूलना।